वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। तो फिर से आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ एंड फ्रेश वीडियो के साथ। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये मंदिर पर मैंने पूजा करने गया तो देखा यार यहाँ का तो नज़ारा ही बदल गया है, मतलब कि अंजाम भी हो रहा है और पूजा भी हो रहा है, तो इसमें हम लोग लग गए हैं। लोग पूजा करने के बाद मैंने यहाँ से प्रसाद लिया और प्रसाद लेने के साथ साथ ही यहाँ पे मैंने थोड़ा सा भक्ति में झूम भी गया। हम लोग जा रहे हैं भंडारा खाने, दो प्लेट खाएगा, ये भी दो प्लेट, एक प्लेट मतलब पांच प्लेट और खत्म होने वाला है। तो हम लोग जा रहे हैं भंडारा खाने, बहुत प्लेट चाहिए। तो गाइस हम लोग चले गए लो यहाँ पे भंडारा खाने। भंडारा खाने गए मैं भी, लेकिन याद पड़ा कि यार यार मैं तो फास्टिंग हूँ, तो एंड वक्त पे याद आ गया, तो मैं इन लोगों को खिलाया उलाया और खिलाने के साथ साथ ही भी दे दिया इन लोगों को। और जैसे ही मैं बाहर जा रहा था तब तक मेरे को अचानक से एक चीज़ दिखा, अंकल जी पूरे मस्ती में डूब चुके हैं। तो क्या था, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर कुछ देर वेट करने के साथ साथ ही मैं चला गया सिवान मेला देखने। तो मेले में जाने के बाद ही मैंने सानवी को पकड़ा और सानवी को बोले चलो मेला देखने, तो वो भी रेडी हो गई और हम दोनों चले गए मेला देखने। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से निकलते हैं, मेला में एंट्री कर चुके हैं। लो मेला में कुछ इस तरह का नज़ारा है और बहुत यहाँ पे क्राउड है और हम लोग दो हैं लो अभी फिलहाल के लिए। गेट का नज़ारा इस तरह है कि यहाँ पे ना आने जाने का थोड़ा भी स्पेस नहीं था। बहुत मुश्किल के साथ साथ हमने मंदिर के अंदर गया और जाने के साथ ही मैंने देखा वहाँ की खूबसूरती इतनी ज़बरदस्त खूबसूरती थी यार पूछो मत। चलो देखते हैं। पिछले साल से भी अच्छा इस टाइम डेकोरेशन किया गया है, क्योंकि पिछले साल का भी वीडियो मेरे पास है और मैंने देखा तो उससे भी मतलब खास डेकोरेशन इस साल हुआ है। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लग रहा है। जैसे ही मंदिर में अपना नज़र घुमाया तो यहाँ पे भक्तों का तो भीड़ था ही था, बट यहाँ पे इतना मस्त डेकोरेशन भी किया गया था यार दिल को भा जा रहा था। ये हमारे महादेव जी, इनसे तो नज़र ही नहीं हट रहा था। जस्ट इनके बगल में देखे तो कुछ कमेटी के मेंबर थे जो देख रेख कर रहे थे, अभी फिलहाल वो सेल्फी में बिजी थे। पंडाल को इतना प्यारा सजाया गया था कि पूछिए मत, दिल को ही भा जा रहा था यार। मनमोहक सा दृश्य आ रहा था यहाँ पे, और क्या ही बोले, यहाँ पे सेल्फी का तो बौछार ही हो गया था। फिर क्या हुआ, चंद सेकंड रुकने के बाद ही हमारे मित्र जी आ चुके और आने के साथ साथ ही हैंडशेक किए लो हम लोग, और मित्र के भी मित्र भी आए थे लो और सब लोग मिले। महादेवा सिंह मंदिर आप भक्त जनों का हार्दिक अभिनंदन करता है और करता ही रहेगा और हर महादेव। तो जो ये आपको कुआं दिख रहा है, इस कुएं के बारे में कुछ बताते हैं। इस कुआं से ही पानी निकाला जाता है और हमारे महादेव जी पर चढ़ाया जाता है। बोले तो इस पानी का फ्लो कम ही नहीं होता है। फाइनली गाइस हम लोग यहाँ से जो चल रहे हैं, क्योंकि पूजा हो चुका है, हम लोग यहाँ से जाएंगे बाहर। अभी सब कोई बाहर चला गया, हम ही इधर रुके हुए हैं, तो हम भी कल नहीं दस्तर। हम लोग मेला से आ चुके हैं, मेला से आने के बाद काफ़ी थक गए, क्योंकि आज फास्टिंग है मेरा और सुबह से कुछ खाने नहीं सूख गया, तो ऐसा हो गया। और आने के बाद हम लोग बैठ गए, बैठने के बाद हम लोग अभी फिलहाल के लिए आई थिंक मेरे ख्याल से ये ब्लॉग जो होगा बहुत ही स्मॉल होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा ये नहीं दिया। तो आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया, तो मिलता है नेक्स्ट टाइम फ्रेश ब्लॉग में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय बाय।